फाइनली दोस्तों, जिसका आप सब लोगों को इंतज़ार था, पेटीएम केवाईसी। यहाँ पर आप लोग देखो कि पेटीएम केवाईसी करेंटली यहाँ पर लाइव करी गई है, लेकिन दो कंडीशन यहाँ पर निकल के आ रही है। दो तरीके से अगर आपका अकाउंट जो एक्टिवेट है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले अपन डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखो यार, काफ़ी सारे लोग ना वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे, पूरी प्रोसेस समझ लो, डिटेल समझ लो। मैं आपके लिए बैठा हूँ और जो भी हेल्प है वो मैं अपने तरफ से पूरी करता हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो ना यार, वीडियो को पूरा नहीं देखते, फिर आपको प्रॉब्लम जाती है और आप वीडियो पर वीडियो देखते रहते हैं। तो अभी जो अपडेट है उसको समझो और किस तरीके से आप अपने पेटीएम केवाईसी कंप्लीट कर पाओगे, सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले आप क्या करो, मैंने पेटीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो भी पेटीएम है ना, तो जो पेटीएम है आपके पास, उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पर पेटीएम को सबसे पहले आपको करना है अनइंस्टॉल, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराया है, तो डिस्क्रिप्शन आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर मोर वाले बटन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है ना की जो लिंक है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखो, जो भी मैं प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप डिटेल से समझो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर पेटीएम को सिंपली आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर जो दो कंडीशन है ना, दोनों में से आप एक ना एक के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन आपको वो कंडीशन तभी समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। सबसे पहले देखो यार, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया आया हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप लोगों को पता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा आप सभी के लिए बनाते रहता हूँ, तो अभी से जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पेटीएम ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। पेटीएम इंस्टॉल होते ही सिंपली आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पर आप ओपन करिएगा और सिंपली आपको यहाँ पर अपना जो फ़ोन नंबर वगैरह डाल के यहाँ पर आपको कंटिन्यू में क्लिक करके यहाँ पर आप परमिशन दे देंगे, कुछ यहाँ पर अलाउ अलाउ वाले बटन में आप क्लिक करना। देन इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ और परमिशन से मांगेगा, ओके पे क्लिक करके प्रोसीड टू कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन निकल के आएगा, जहाँ पर ये OTP से वेरीफाई करेगा, तो थोड़ा सा अपने को यहाँ पर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि OTP के थ्रू के ये वेरीफाई हो गया है। देन इसके बाद आपको जो अपना बैंक अकाउंट है ना, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और देखो नहीं है तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर आप क्या करिएगा, बैक करिएगा, ठीक है। सिंपली अगर आपके पास ऑलरेडी है बैंक अकाउंट, तो आप यहाँ पर लिंक बैंक में क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, यहाँ पर ये इजीली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वेल अगर मैं बात करूँ, अगर नहीं भी होता है तो आप क्या करें, अभी मैं आप लोगों को KYC का सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक है। KYC का सिस्टम कैसा होगा, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पेटीएम KYC का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, आप सर्च बार में आइएगा और यहाँ पर सर्च करिएगा पेटीएम KYC, तो यहाँ पर आप लोग देखो जो पेटीएम KYC है वो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोग आइएगा और यहाँ पर सर्च करिएगा पूरा कंप्लीट पेटीएम KYC। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन निकल के आ रहा है पेटीएम KYC, जो कि हेल्प का है, और जो पेटीएम KYC नियर पॉइंट। यहाँ पर मैं आप लोगों को देखो दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। पहले क्या होता था, यहाँ पर मैं आप लोगों को पेटीएम KYC में क्लिक करके बता देता हूँ। तो देखो बेसिकली क्या होता था कि हम अपनी जो पेटीएम KYC है वो तीन तरीके से कर सकते थे। पहला, हम अपना जो वीडियो कॉल के थ्रू है उसको अपन इनेबल करें और वीडियो कॉल के थ्रू अपनी KYC कंप्लीट कर लें। देन दूसरा ऑप्शन क्या रहता था कि पेटीएम के जो नज़दीकी पॉइंट है वो यहाँ पर जाना है और वहाँ से आपको करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेटीएम नियर पॉइंट KYC में आपको क्लिक कर देना है। देन इसके बाद क्या करना है, आपको अपनी बेसिक सी डिटेल डालनी है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालना और फुल नेम डाल देना, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब आप ऐसा करते हो गए अपना आधार कार्ड नंबर डालने के बाद और अपना यहाँ पर नाम डालने के बाद एक्टिवेट माय वॉलेट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा, तो इस पर आप क्लिक करते होगे। लेकिन यहाँ पर देखो, आप लोगों को एक एरर कभी कभी शो हो जाता है या फिर कभी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या एक्चुअल में इसका क्या सोल्यूशन है। तो देखो यहाँ पर लिख के आता है, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग यूर इंटरेस्ट, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी न्यू अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट ड्यू टू रेगुलरली गाइडलाइंस, हाउ ओवर यू कैन ट्रांसफर मनी यूजिंग UPI ऑन आवर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना वो आप लोग समझो। अगर इनकेस आपका जो पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट है,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नज़दीकी KYC सेंटर जाके वहाँ पर अपना जो Paytm KYC है वो कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन अभी जो करेंटली न्यू अकाउंट है ना वो नहीं बन रहे हैं। अब इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप जितने टाइम भी करोगे अभी यही बताएगा। लेकिन आप UPI के थ्रू अपना जो बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक करते हैं लोग, यहाँ पर आके अपना बैंक अकाउंट लिंक करके आप ऑलरेडी यहाँ पर कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट लिंक करके जितने भी ट्रांजेक्शन चाहें आप कर सकते हैं। और आप चाहो तो क्या करना, 1 रुपये का UPI ट्रांजेक्शन कर देना, जिससे आपका जो ईजीली यहाँ पर वॉलेट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है, मे बी ऐसा चांसेस है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ एक्चुअल में क्या सिस्टम चल रहा है और Paytm KYC हो क्यों नहीं रही है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लिक करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को एक्चुअल रीजन बता देता हूँ कि भाई किस वजह से जो Paytm की KYC है वो अभी नहीं हो रही है, अभी ये आपको बार बार ये एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने यहाँ पर मैंने इनके चैट सपोर्ट से बात करा और यहाँ पर आप लोग देखो इन्होंने लिख के मुझे बताए हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यूजुअली हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि however you've already done min KYC of Paytm then you are eligible for completing KYC. In case you are have not completed mini KYC, QR you KYC has expired then you are not eligible completing. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअल में KYC है वो क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर ये लिख के आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिख के आ रहा है कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, यहाँ पर देख सकते हैं, कस्टमर ऑन बोर्डिंग KYC रिक्वेस्ट वाया एनी मोड्स, होम विजिट KYC पॉइंट वीडियो KYC, जो कि 3 तरीके होते थे जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। एज़ पर RBI डायरेक्ट डायरेक्शन टू टेम्पररी हेल्ट द ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपका ऑलरेडी वॉलेट एक्टिवेट है तो आप यहाँ पर ट्राई करके देख लेना एक बार अपने नज़दीकी सेंटर विजिट करके। बाकी करेंटली जितने भी न्यू अकाउंट बन रहे हैं तो उनकी KYC कंप्लीट नहीं हो रही है। बाकी देखो, KYC का सीन ऐसा था कि भाई वो अपने में बैंक अकाउंट ओपन कराते थे, वैसे उनके Paytm पेमेंट बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आधार से UPI लिंक है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आधार कार्ड से Paytm चलाना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डिटेल बनाया है ऑलरेडी, काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ आधार कार्ड की मदद से बना सकते हैं, अगर इन केस आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है आपके आधार नंबर से, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। तो अगर है तो आप उस वीडियो को देख लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कि होप मैंने जो भी डिटेल इस वीडियो में आपको दिया है वो आपको अच्छे समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट बच जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।